थोड़ा उड़ते कार के उड़ते। हाँ आओ सदी नहीं ना जब बीमारी थी। हाँ खड़ा है। हाँ हूँ चाहो हाँ चाहो चाहती आओ चाहती आओ चाहती आओ। हाँ चलो गेले राखे को हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का मज़ेदार और छोटा सा ब्लॉग करते हैं शुरू। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आज ना इस प्लाट को लगा रहा हूँ पानी। ये देखें इस प्लाट को पानी लगाने, अभी इसे चेक करना है वो नालियाँ वगैरह जो थी दूसरी तरफ। उसने और प्लाट को पानी लगाया था पहले मक्की के को, तो फिर मैं वो सारा इसका रास्ता क्लियर कर लिया मैंने। अब ना मैं इसे चेक कर रहा हूँ, अब ये बीज अपना निकाल रहा है। अगर इसे पानी दे तो फिर ये ना हम सराकी में कहते हैं ये कुवल कर जाता है। जब कुवल कर दे ये बीज पूरा नहीं निकाल सकता। अब इसे देखना होगा, अगर इसमें थोड़ा बहुत मट्टी इसकी तरह तर है। मैंने अपने पाँव से चेक किया इसकी मट्टी अभी तार पड़ी है। तो ऐसा करते हैं वो नेक्स्ट प्लाट जो हमारा बड़ा प्लाट है उसे लगाते हैं। अभी यहाँ से चेंज करना होगा, जल्दी से चेंज करते हैं। फाइनली बंद कर लिया और एक आगे पड़ा है उसे जाके खोलते हैं। फाइनली इस प्लाट को पानी लगाना था। देखे मैंने मोगी का जो ढक्कन था वो उतार लिया है। इससे अब पानी शायद आखिरी लगा रहा हूँ। इसने अपना सारा फल फूल वगैरह पूरा कर लिया। अब इसमें ये अपना अन्न डालेगा, जो राइस चावल होता है वो। ये इसका छिलका पूरा हो गया है तो इसे लगा रहा हूँ पानी। यहाँ हमने बंद किया है। आप इसे ना थोड़ा थोड़ा लगाना होगा, ज़्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि अगर पानी यहाँ रुक गया इसकी कद हो गई बहुत बड़ी। जब शाम को तेज़ हवा चलती है ये ऐसे ही गिर जाएगा, जैसे ये देखें गिरा पड़ा है। अगर इस स्टेज पे आके चावल गिर जाए तो फिर उसका फल जो होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं। इसमें छोटे छोटे हमने बनियाँ डाली हुई होती हैं पहले से, जो कि लास्ट तीन चार पानी है वो ना इसे थोड़े थोड़े देना होता है पानी, ज़्यादा पानी नहीं देना होता। ये देखें ये बनी पड़ी है, ये रास्ता जा रहा है। और इस भाई ने स्प्रे नहीं की, वो इसके तने में एक कीड़ा पैदा होता है वो हुआ, और जो आपको सूखा सूखा नज़र आ रहा है ये राइस इनकी मर गई है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं और क्या कुछ वहाँ का, जो हमारी मोटर की एक तारें थी वो जल गई थी वो भी आपसे आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मौली के चावल को पानी लगा दिया, कल मोटर चलती चलती बंद हो गई थी तो अभी आया हूँ देखने, तो मौली का चावल पूरा नहीं हुआ था। तो मौली का चावल भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ से जली थी। ये मौली का प्लाट है, तकरीबन 10-15 मरले या ज़्यादा से ज़्यादा आधी कनाल रह गई थी वो भी यहाँ से, तो फिर हमें पूरे को पिलाना पड़ रहा है। अगर मोटर ख़राब ना होती तो ये पूरा हो जाता। मैंने सोचा शॉर्ट रास्ता लेती हैं। ये देखें चावल के सेंटर से जो बनियाँ हमने दी हुई होती हैं वो लेके जा रहा हूँ देखने, क्योंकि कंफर्म चेक करना है, क्योंकि इसका लास्ट पानी। और इतनी बड़ी कद 5 फुट 6 इंच मेरी कद है, लेकिन इस चावल की कद भी तकरीबन 5 फुट है। ये देखें तो जा रहा हूँ देखने, चलते हैं देखते हैं कितना हुआ है अभी तक। इंशाल्लाह ये दो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये हो जाएंगे, एक बच जाएगा जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसे लाजमी पानी देंगे, लाजमी इंशाल्लाह। ये लास्ट में आ गया हूँ, देखे फाइनल हो गया। अब इसमें इसको लगा दिया है तो चलते हैं वापस। आए बैठे हैं मेहमान, मैंने चाय बना के उनको पिलानी है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत सीन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सीन है। ये देखें ये प्लाट अभी खाली पड़ा है, यहाँ आलू काश कर रहे हैं उन्होंने, इसे कि रोनी वगैरह तो निकाल ली है, लेकिन
चावल की फसल भाई, चावल की होती है ज़बरदस्त माहौल। और ये देखें लास्ट में आ गया है, तो चलते हैं उनको चाय वगैरह पिलाते हैं, मेहमान आए बैठे हैं। और आज एक मैं सौदा लेके आया हूँ, कर के आया हूँ चावल का, वो भी आपको वो दिखाते हैं कौन सा है, कौन सी वैरायटी, और कितने में ख़रीदा और कितने उसमें से प्रॉफिट हो सकता है। तो चलते हैं वापस। अभी अभी मुझे करनी है मक्की को स्प्रे। ये देखें, ये हमने पहले भी की है, इसमें कोई आपको जड़ी बूटियाँ नज़र नहीं है आएंगी, क्योंकि यहाँ पहले हमने गेंगवी का इस्तेमाल किया। तो ये देखें, जहाँ तक हमने स्प्रे की वहाँ तक कोई जड़ी बूटियाँ नहीं है। ये देखें, बस यहाँ तक हमने स्प्रे की थी, यहाँ देखें सारी जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। अभी हमने इसके लिए गेंगवी ले के आए हैं, तो गेंग भी शुरू कर रहे हैं ताकि ये जड़ी बूटियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएं और मक्की जल्दी ग्रोथ करे, बड़ी होए और ज़्यादा से ज़्यादा एक माह बाद ये ग्रोथ करना छोड़ देगी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। ये देखें, ये है मेरी सैलेज वाली मकई और इसे भी मैंने गेंग भी ही करनी है। तो 3 टैंकियाँ की बनानी है 1/2 लीटर। तो प्रोडक्ट अच्छा है और अच्छा खासा महंगा भी है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं गेंगवी। ये देखें, ये है जी गेंगवी। एक तो ये अपना पौधे पे स्ट्रेस नहीं देती और फसल के लिए ज़बरदस्त काला और सरसब्ज कर देती है। जस्ट गेंगवी है जो मक्की की फसल को नुकसान नहीं देती, और कोई भी ये किसी कंपनी की भी आप ले सकते हैं। ये 1 एग्रो केमिकल्स, ये भी लोकल कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं है। तो इस ये है तकरीबन, एक सेकंड ढूंढना पड़ेगा जल्दी से, शायद 400 ml की होगी या 500 ml की। तो इसमें उन्होंने इनकी कीमत लिखी है 1650, लेकिन 1650 की नहीं है, हमें दी है उन्होंने 900 रुपये की। तो अभी यहाँ करते हैं स्प्रे, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए अभी खाली पड़ी है, पहले मैं टैंकी बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। 3 टैंकियाँ बनानी है जस्ट। ये टैंकी मैंने पूरी भर ली है, ये देखें मैंने रफ पैमाना ढूंढा है एक और बोतल से उठा के, तो ये फाइनल हो गई। मैंने पानी छोड़ दिया इस हौजी में, मैंने कहा पहले स्प्रे करके फिर इसे आके फौरन ही टैंकी भर के फिर चला जाऊँगा। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं स्प्रे कैसे करनी है। जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इंशाल्लाह 2 दिन बाद ये सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही करनी है, ये देखें। यार इसकी ना बिल्कुल चार्जिंग ख़त्म हो गई है, एक टैंकी इसने करवाई है, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो ले गया था हमारा हमसाया, तो मुझे पता नहीं था इसीलिए मैंने चार्ज भी नहीं की, ऐसे ही टैंकी उठा ली। ये देखे बस एक स्प्रे की टैंकी हुई है। अभी बाबा से पूछते हैं, अगर वो जनरेटर वाली के लिए मान जाते हैं तो फिर जनरेटर वाले से करते हैं। यहाँ लगा दिए इसे चार्जिंग पे, इसे यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखे इसे यहाँ रख देते हैं, तो इसे उठा सकते हैं फौरन, क्योंकि रात को कोई भैंस खुल सकती, तो ऐसा ना हो कि सुबह अल्लाह हो। ये देखें वीरो, आप इनकी थोड़ी बहुत बनती है, देख रहे हैं। वैसे प्यारी कौन सी है, ये वाली या ये वाली? मुझे तो ये वाली प्यारी लगती है। अगर इसे पेट हो गया तो तकरीबन 4 लाख रुपए की है इंशाल्लाह। मछलियाँ दिखाऊँ आपको? ये देखें हमारी मछलियाँ किधर गई किधर गई। चार दरअसल वो बड़ी है ना, अब जो पहले जो छोटी थी ना वो ऐसे गारा वगैरह नहीं करती थी, अब बड़ी हैं तो ये पानी ज़्यादा मैला कर देती है। यार आपको एक बात बतानी थी, यहाँ ना इस छोटे से पानी में कल मैंने 2 छोटे छोटे कछुए देखे थे, शायद आज कोई मिल जाए, यहीं पड़े थे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे थे, प्यारे प्यारे, लेकिन आज नहीं है, पता नहीं कहाँ मर गए हैं, आज बिल्कुल भी नहीं है, कल यहीं पड़े थे। मैंने कहा व्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन आज वो निकल गए हैं, वहीं बड़े पानी में होंगे। सो गाइस इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दो में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।